दीपिका बनेंगी जूलिया। जूलिया मैरी एवंस वाडिया ऐसी महिला थीं जो खतरनाक स्टंट्स बहुत आसानी से कर लेती थीं। 30 के दशक में उनकी बहादुरी के कई किस्से हैं। वाडिया पर फिल्म बनाने का विचार निर्देशक विशाल भारद्वाज के दिमाग में अरसे से है और 8 साल से वे स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। खबर है कि अब वे फिल्म बनाने के लिए तैयार हैं। फिल्म का नाम होगा जूलिया। इसमें वे मुख्य भूमिका के लिए दीपिका पादुकोण के नाम पर विचार कर रहे हैं। दीपिका भी ग्लैमरस रोल के अलावा सशक्त भूमिकाएं करना चाहती हैं। वे फिल्मों में खुद अपने स्टंट्स भी करती हैं। वक्त आने पर विशाल इस बारे में घोषणा करेंगे। मल्लिका की ख्वाहिश। मल्लिका शेरावत का कहना है कि निर्माता निर्देशक उनके पास ग्लैमरस भूमिकाएं लेकर ही आते हैं। इसमें नाच गाने और बोल्ड सीन होते हैं। मल्लिका चाहती है कि उन्हें ऐसे रोल निभाने को मिले जिनमें वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें, साबित कर पाएं कि वे अभिनय करना जानती हैं। आने वाली फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स में उन्हें इसी तरह का रोल निभाने को मिला है। इसमें उन्होंने नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अनुपम खेर जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया है। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपनी महत्वाकांक्षा के चलते तमाम समझौते करते हुए अपना राजनीतिक कद ऊंचा कर लेती है। मल्लिका मानती है कि यह फिल्म उनकी छवि में परिवर्तन ला सकती है। एमएलए को मिनिस्टर बनना है, मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनना है। राज्य को देखो, खुजली हो रही है। मैंने फैसला कर लिया है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री दीनानाथ नहीं, दीनदयाल होगा, और ये औरत इस प्रदेश की होगी डिप्टी सीएम। रॉय में रणवीर का 55 मिनट का रोल। जब से रॉय फिल्म बन रही है तब से कहा जा रहा है कि इस फिल्म में रणवीर का रोल बहुत छोटा है। उन्होंने फिल्म इसलिए की क्योंकि निर्देशक विक्रमजीत सिंह उनके बचपन के दोस्त हैं। विक्रमजीत ने स्पष्ट किया है कि रणवीर की फिल्म में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है और इसमें 55 मिनट का उनका रोल है। 13 फरवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म में रणवीर के अलावा अर्जुन रामपाल और जैकलीन फर्नांडीज महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगी। हम इंसान हमेशा किसी और की जिंदगी चुरा के जीना चाहते हैं, ये फितरत है हमारी, और मैं तो हुई चोर।